हेलो गाइस, व्हाट्सअप पर वेलकम बैक आवर चैनल, इट्स योर बॉय ललित। तो आ गया हमारे पास मोबाइल का फोटोशॉप वर्जन। ये अभी प्ले स्टोर पर तो नहीं आया है, लेकिन आप अगर मेरी लिंक चेक करोगे तो उधर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यह वाला ऐप अभी तक का मेरे को लिटरली सबसे अच्छा बैकग्राउंड चेंज करने वाला ऐप लगा, बिना किसी क्वालिटी पिक्सल को कम करे या फोटो को ब्लर करते हुए। तो याली ऐप की व्हाट्सअप झंझट नहीं है, याला ऐप बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो को एडिट करता है, बैकग्राउंड चेंज करता है और बिना किसी फ़ोटो के पिक्सल गिराए। तो हम अपने कोई भी आपका मॉडल ले या आप आपकी पिक ऐसे सिलेक्ट, तो यहाँ पे ये ब्रश जिस ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे वो कंटिन्यू क्लिक करके नहीं रखना है, इस पर आपको ऐसे स्लाइड करना है, टच करते हुए स्लाइड करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैजिक ब्रश सिलेक्शन टूल्स, क्रिबल, और मेरे को कुछ क्विक सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा वाला ऑप्शन, ईजी है। बाकी टूल भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे टूल है वो भी, पर मेरे को याला थोड़ा इजी लगा क्योंकि याले ब्रश से मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ। बाकियों के मुकाबले मैंने उन ब्रश से भी करके देखा, पर आपके हिसाब से देखना कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना, बस आपको आपके मॉडल को आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखो सिंपल तरीके से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, बस खुद ब खुद ही अपना मतलब कट कर लेगा। उसके बाद ये इसको मोड को, नीचे मोड है उसको माइनस पे करके, प्लस से माइनस पे करके इसको बैकग्राउंड की तरफ, जहाँ पे आपको सिर्फ मॉडल पे रहे, तो इसलिए आपको बस उधर इरेज करते जाना है। बस इसने खुद ब खुद ही उधर देखिए कट कर लिया है अपने आप को, मॉडल को बस कट कर लिया खुद ही खुद। तो हाँ, मॉडल कट हो गया है। तो अब हम करते हैं यहाँ से इसको, हम जाते हैं रिफाइंड एज की तरफ। ये रिफाइंड एज देखो नीचे ब्रश ऑप्शन है, वो अलग से हेयर के लिए ऑप्शन है, जो आपको फोटोशॉप में जैसे लैपटॉप में करते हैं ना, लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी में, तो फोटोशॉप में ये रिफाइंड एज का ही ऑप्शन रहता है, जो बालों के लिए रहता है, जैसे विजय महार भी करता है, बहुत सारे जो एडिटर्स लोग बड़े बड़े वो करते हैं इसमें। तो ऐसा रिफाइंड एज देखिए कितनी प्यारी तरीके से बालों को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ले रहा है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, क्योंकि पिक्सआर्ट से इस टाइप की एडिटिंग तो नहीं हो पाएगी, और अगर होएगी भी तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही ईजी पड़ रहा है और सही है ऐप याला, बहुत मेरे को लिटरली कसम से बहुत ज़्यादा ऐप अच्छा लगा मेरे को। यहाँ से मैंने फेदर को सिर्फ वन पे रखा है, इससे आपके एडजस्ट और अच्छी लगने लगेगी बैकग्राउंड के हिसाब से। तो यहाँ से हमने कर लिया एक्सट्रैक्ट, यहाँ से डिसलेक्ट, तो हो गया हमारा बैकग्राउंड पूरा इरेज हो गया बैकग्राउंड। तो हम इसे फोटो लेयर पे जाते हैं, इधर हम फोटो गैलरी में से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। तो इसमें एक और बात अच्छी, इधर बैकग्राउंड सेलेक्ट होके आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ झंझट नहीं है ज़्यादा, बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इस चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको, मतलब इसको रखते अपने मॉडल की तरफ बैकग्राउंड को, जहाँ अपन को रखना है। तो यहाँ से हमारा बैकग्राउंड हो गया है, अब इसको लेयर को जाके इसको नीचे कर देना। देखिए बहुत तगड़ा लग रहा है बैकग्राउंड, मतलब इतना अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से सिर्फ यही ऐप इरेज कर सकता है, और कोई ऐप कर ही नहीं सकता है, इतनी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इरेज कर दिया इसने, मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगा। यहाँ से इफेक्ट पे जाओ, एक और ऑप्शन है ये ब्लर का, यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं पूरा, देखो पूरा ब्लर, कितना आप चाहें उतना कर सकते हैं ब्लर, तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ा ऑप्शन है ये भी। तो यहाँ से मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हो गया, मैंने अपना ब्लर कर लिया इधर बैकग्राउंड पे। तो देखिए आप बाल देखिए पूरे अच्छे से एडिट हुए, मतलब पूरे अच्छे से कट हुए हैं उधर से बैकग्राउंड से, एक एक
बहुत ही कमाल, बहुत ही बढ़िया टाइप की पिक पे एडिट हुई है हमारी, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है। देखिए पहले से कितनी बेटर लग रही है, लाख गुना ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब अच्छी सी पूरी वाइब अच्छी सी दिख रही है इसमें। अभी इसको यहाँ से हम कर लेते सेव। अभी से हम गैलरी में कैसे सेव करें? गैलरी में आपको यहाँ से करना है, यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन पे सेव टू गैलरी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके हमारी पिक हो गई गैलरी में सेव।